सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। क्या मामला है, क्या कार्रवाई कर? ये मुगलसराय पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें लगभग 10,464 बोतल जो है विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब जो अच्छी क्वालिटी की है वो एक हरियाणा के कंटेनर से बरामद की गई है। और इसमें उल्लेखनीय है कि कंटेनर के पिछले हिस्से में घरेलू सामान रखे हुए हैं। जैसा लगता है कि ये गफलत पैदा करने के लिए या धोखा देने के इरादे से सामान को अस्थायी रूप से रखते हैं। इसके अगले हिस्से में कंटेनर के एक पार्ट इस तरह का बना हुआ है जहाँ पर अवैध अंग्रेजी महंगी शराब को रख बिहार पहुँचाते हैं। एक अभिसूचना प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर गिरफ्तारी और बरामदगी की गई है और लगभग 22 लाख रुपए मूल्य की टोटल शराब। ये इतनी बड़ी गैंग है, इसकी गैंग के बारे में खुलासा हो गया है, कौन लोग हैं ये इस तरह से वारदात को अंजाम दे? अब इस संबंध में हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं कि इसके आगे पीछे या कॉन्टैक्ट में कौन से लोग थे, उनके बारे में जानकारी का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जो बरामदगी और गिरफ्तारी हुई है उसमें एक ड्राइवर ही केवल मिला है, अन्य के बारे में हम छानबीन कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।